हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कक्षा 8 का आज पढ़ेंगे बस की यात्रा, जो कि रचना है हरिशंकर परसाई की। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हरिशंकर परसाई को व्यंग्य का के लिए जाना जाता है। उनकी रचनाएं व्यंग्य से भरी होती हैं, कटाक्ष करती हुई होती हैं। तो आज हम एक यहाँ पर ऐसी पुरानी बस के बारे में पढ़ेंगे जिसको लेखक ने यहाँ पर वृद्धा बताया है, और कभी भी वो खराब हो जाने का और कभी भी मृत्यु की ओर ले जाने का संकेत देते हुए इस बस के बारे में वो व्यंग्य करते नजर आते हैं। तो इस पाठ का हम लोग पाठ वाचन के सभी विश्लेषण करते चले जाते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम के 4 बजे की बस से चले। कहानी मध्य प्रदेश की है। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे, ये सोच करके वो प्लानिंग करके चले थे कि रात को इसी बस से चलेंगे तो 1 घंटा हम लोग सुबह तक अपने घर पहुँच जाएंगे। हमें से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। कि बस को ही डाकिन कहा जा रहा है, कि वो बस समय पर पहुंचाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध, काफ़ी जर्जर अवस्था में थी, काफ़ी पुरानी बस थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? उस बस को पूजनीय बताया जा रहा है कि वह काफ़ी वृद्ध हो चुकी थी, काफ़ी बूढ़ी और काफ़ी जर्जर अवस्था में बस थी। बस कभी भी खराब हो सकती थी, उस पर सवारी करना शायद ठीक नहीं था। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। जिस कंपनी की बस थी उसके एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। तो लेखक को थोड़ा सहूलियत हुई कि जब ये यात्रा कर रहे हैं तो हमारी यात्रा भी सफल रहेगी। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती हुई है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, आपने अपने आप चलती है या? हाँ जी, और कैसे चलेगी? कि बस अपने आप चल देती है? बोलते हैं, हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है? उतनी पुरानी बस अपने आप चलती है? हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है। मित्र ने कहा कि चलो, बस अनुभवी, कोई परेशानी नहीं होगी इससे यात्रा करने में। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे हमें इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हों। उस बस की सवारी शायद खतरनाक थी और उस बस से जाना भी गलत डिसीजन था, जिसके चलते उनको ऐसा लग रहा था कि उस बस की अवस्था देख करके हम लोग को छोड़ने आए जो व्यक्ति थे वो भी ऐसे देख रहे थे जैसे अंतिम विदाई दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा, रंग, फकीर, आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए, एक बस कारण चाहिए व्यक्ति को यहाँ से विदा होने के लिए, इस संसार से जाने के लिए। तो इस तरह की बातें उनकी नज़रें कह रही थी उनके साथ जो छोड़ने आए थे। सचमुच इंजन स्टार्ट हो गया, ऐसे जैसे भारी सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। जैसे ही वो अंदर बैठे, गाड़ी की इंजन स्टार्ट हो गई थी और काफ़ी घड़घड़ाहट थी, और जो शीशे थे वो भी काफ़ी टूटे हुए थे, और जो बच गए थे उनसे बचने की ज़रूरत थी लेखक को। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए, इंजन चल रहा था। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है, पूरी सीट गर्म हो गई थी इंजन से। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। लेखक ने यहाँ 2 आंदोलनों का परिचय दिया है, जो कि स्वतंत्रता संग्राम के समय महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए आंदोलन थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन, जो अंग्रेजों के विरोध में थे, अंग्रेजों को हमारे देश से, हमारी भारत भूमि से भगाने के लिए इस तरह के आंदोलन चलाए गए थे। काफ़ी लंबा चला था। तो ये कहा जा रहा है लेखक के द्वारा कि ये उस ज़माने की होगी, सन 1920 ईस्वी की होगी, 19 ईस्वी की होगी या सन 1932 ईस्वी की होगी। तो ये इस तरह से उस समय की बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। बस का कोई भी हिस्सा ऐसा लग रहा था जैसे अपने आप में खींचातानी कर रहा हो।
पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट की का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे निकल जा रही है, कि शरीर सीट पर अस्थिर हो ही नहीं पा रहा था। जैसे जैसे गाड़ी के उबड़ खाबड़ रास्ते से गुजरती थी वैसे वैसे उसमें परिवर्तन होता था। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। बहुत ही खराब अवस्था में वो लोग जा रहे थे उस बस से। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। अब तो पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है तो अब तो बस का जाना और मुश्किल हो जाएगा। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। जो पानी का वाटर ये था टंकी तो बाल्टी था, उससे पाइप लगा करके, छोटी सी पाइप लगा करके और उसे कनेक्ट करके वह उसमें तेल डालने लगा, पेट्रोल डालने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे, कि जो बस कंपनी के हिस्सेदार भी उस पर सवारी कर रहे थे। ऐसा प्रतीत होता था कि इतना नाजो से बस को पाला जा रहा है कि हो ना हो कुछ देर में ये इंजन को भी अपनी गोदी में रख लेंगे। पूरी तरह से लेखक ने यहाँ पर व्यंग किया है। और उस नली से पेट्रोल पिलाएंगे जैसे उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे जैसे माँ बच्चे को मुँह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। लेखक अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं कि उन्हें बस के किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं था कि वहाँ कहीं जा कर के सुरक्षित बैठा जाए। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकती है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। रात का दृश्य होता जा रहा था तो दोनों साइड के पेड़ अच्छे लग रहे थे। मैं हर एक पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। क्यों भाई, जो भी पेड़ आता है डर लगता कि इससे बस टकराएगी। ऐसा लगता कि बस अब आगे सामने वाली जो पेड़ है, सामने जो पेड़ है उससे जाकर के बस टकराने वाली है। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील देखता तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी, कि अब बस अब पलटी तब पलटी। ऐसी स्थिति बस की थी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। कि अभी भी वो बस को अच्छा ही कह रहे थे, बस के हिस्सेदार, बस के मालिक। छीन चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। हल्की हल्की चांदनी थी और उसके नीचे जो खड़ी बस थी वो काफ़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानी हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। कि अब अगर ये खराब हो गई पूरी तरह से तो यहीं पर हमको इसकी अंत्येष्टि कर देनी होगी, इसका समापन कर देना होगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस फिर आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। ये आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। मतलब कि बस की लाइट भी, हेडलाइट्स भी खराब हो गई थी और धीरे धीरे बस चल रही थी या यूँ कहे रेंग रही थी, और कोई गाड़ी उधर से आती तो उसे साइड अच्छे से दे देती थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके लिए अगला पूरा रास्ता उसने खाली कर दिया है। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती उछल कर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा कि वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। क्या बात है कि हम लोग तो पहली बार सफ़र कर रहे हैं लेकिन जो इसके हिस्सेदार हैं वो अभी भी उसी से सफ़र कर रहे हैं। बस की स्थिति को जान कर भी उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतज़ार करते हैं, बस के हिस्सेदार का। कहते, वह महान आदमी रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। इस तरह से वो कहा जा रहा है कि जो बस के मालिक है वो मरना पसंद कर रहे हैं लेकिन गाड़ी में सुधार लाना पसंद नहीं कर रहे हैं। दूसरा टायर, घिसा टायर लगाकर बस फिर चली।
अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। जिस उम्मीद से वो बैठे थे कि सुबह होते हुए अपने घर पहुंच जाएंगे, अब उन्होंने वो उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद लेखक ने छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक का प्रयाण करने कर जाना है कि ये अब बस ये इस बस की अंतिम का अंतिम सफ़र है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। और जो बस से उनको घर पहुंचने की लालसा थी और काम पर जाने की इच्छा थी सुबह में, वो इच्छा उनकी धरी की धरी रह गई और उनको लग रहा था कि अब पूरा जीवन इसी बस में ऐसे ही गुजर जाने वाला है। तो ये रचना थी, व्यंग्य रचना हरिशंकर परसाई की बस की यात्रा, जो हम लोगों ने पढ़ा। अब इसके प्रश्न उत्तर जो हैं वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।